खबर दिल्ली से मिल रही है। ईदगाह पार्क में देर रात लोग जमा हो गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज से लोग इकट्ठा यहां पर हुए। पार्क में मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। भ्रामक मैसेज यानी कि झूठे अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद लोग जमा हो गए, पार्क में इकट्ठा हो गए। सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रामक मैसेजेस लोगों को मिले, तो दिल्ली से ये खबर जहां पर ईदगाह पार्क में देर रात लोग जमा हो गए। खबर ये मिली सोशल मीडिया के जरिए कि मार्क जो पार्क है उसमें मूर्ति लगाई जा रही है और इसी का विरोध करने के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात ईदगाह पार्क में लोग इकट्ठा हो गए, लोगों को झूठी खबरें मिली। सोशल मीडिया के जरिए यह अफवाह फैली कि जो पार्क है वहां पर मूर्ति लगाई जा रही है, और इसीलिए ये जो लोग थे यहाँ पर इस बात का विरोध करने के लिए वो इकट्ठा हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये अफवाह किसने फैलाई, क्या इन लोगों का मकसद था, क्या यहाँ पर माहौल खराब करना साजिश थी। हालांकि उसके बाद देखें किस तरीके से पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी सुरेश झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से लाइव। सुरेश, जरा बताएं कि हुआ क्या, और जिस तरीके से खबरें ये मिल रही है कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके के फेक मैसेजेस मिले, क्या पता चल पाया कि कौन ये मैसेज फैलाने वाले थे, फिलहाल क्या सत्य है वहां पर? देखिए, इस समय हम लोग मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम नजारा दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, क्योंकि जिस तरह से रानी झांसी बाई की जो यहाँ प्रतिमा लगनी थी कल रात को, जब यहाँ पे डीडी वाले जब पहुंचे थे उसके बाद जो यहाँ मॉल काफी गर्मा गया था, क्योंकि ठीक इसके बगल में जो ईदगाह है और ईदगाह के जो तमाम जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने इसका विरोध किया। उनका विरोध करने का कारण ये था कि उनका ये कहना था कि ये जमीन जो वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड पर जो है कोई इसकी मूर्ति प्रतिमा नहीं लग सकती है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठन कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि ये जमीन जो है डीडीए की है और डीडी अपनी जमीन पर कुछ भी कर सकता है, तो उसी को देखते हुए प्रतिमा यहां लगनी थी, लेकिन इस प्रतिमा का यहां पर विरोध किया जा रहा। हालांकि मुस्लिम संगठन का कहना है कि उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम में अड़चन नहीं फैला सकते हैं, एक तरह का माहौल बनाया गया था। लेकिन आप देखिए कि इलाके में इस घटना के बाद से काफी तनाव बना हुआ है, और खासकर जो आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज है उसको देखते हुए यहां पर जो सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। हालांकि मैं आपको दिखा दें नजारा कि यहां पर जो रानी लक्ष्मीबाई है, जो उसकी प्रतिमा जो लगनी है, उनकी प्रतिमा का जो यहां निर्माण कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है। आप देखिए कि यहां पर तमाम मजदूरों को लगा दिया गया है और मजदूर जो यहाँ पे काफी काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए, ताकि रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा को जो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि रानी जो झांसी मार्ग है, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो है उनकी जो प्रतिमा है उसको यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सरकारी का निर्माण कार्य होना है। उसी वजह से इस प्रतिमा को यहाँ शिफ्ट करने की बात हुई थी, और उसी के तहत जो है उस प्रतिमा को जो है इस पार्क में लगाने की बात कही जा रही है। जी सुरेश, क्योंकि जिस तरीके से ईदगाह पार्क के बताया जा रहा है, क्या जो तस्वीर आप दिखा रही है ईदगाह पार्क की है क्या, या उसके सामने पर यह है? देखिए, ईदगाह जो है वो इसके जस्ट बगल में है। जो मुस्लिम संगठन है उनका ये कहना था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन डीडी ने कहा कि जमीन हमारी है। इसको लेके जो है ईदगाह के जो मुस्लिम संगठन थे वो हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार भी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट का कहना था कि ये जमीन डीडीए की है और डीडीए अपनी जमीन पे कुछ भी कर सकता है, तो उन्हीं सबको देखते हुए जो राष्ट्र नायिका है रानी लक्ष्मीबाई, उनकी प्रतिमा को यहाँ शिफ्ट करना जा रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध किया किसलिए किया जा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने कह दिया कि कोई विरोध नहीं होगा, उनका आदेश है, प्रतिमा यहीं पर लगेगी। ठीक है, प्रतिमा यहीं पर लगेगी, लेकिन रात को सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस आए उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है कि कैसे ये मैसेजेस आ गए और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे? देखिए, विरोध सब इकट्ठा हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची थी। मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर किसी भी स्थिति को देखते हुए आप देखिए कि पूरे इलाके के अंदर जो घेराबंदी कर रखी है, लेकिन जो है अब यहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत है, अब यहाँ कोई भी ऐसा तनाव की बात नहीं है, क्योंकि ये आदेश कोर्ट का है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रतिमा यहाँ पे शिफ्ट की जा रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है अब यहाँ पर हालात जो है अब नियंत्रण में है, उनको पता चल चुका है कि ये सरकारी आदेश नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है, और हाईकोर्ट के आदेश का जो है उनको पालन करना पड़ेगा।
ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश पर ये मूर्ति यहाँ पर लग रही है और उसका पालन करना होगा। तस्वीरें भी आप वहाँ पर दिखा रहे हैं। सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, यह तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से जानकारी मिली, हालांकि उसके बाद ये क्लियर है कि ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो प्रतिमा है रानी लक्ष्मीबाई की, वो वहाँ पर लग रही है और वहाँ पर काम भी चल रहा है। तस्वीरें आपने देखी।